वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा, भाषा का स्वरूप या भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाष व्यक्ता वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। इसी संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई भाषाओं से भाषा का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। जैसे क्रोच के अनुसार, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनि का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। वेंद्र के अनुसार, भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार के पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसे यादृच्छिक दृढ़ या रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी के अनुसार, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बताए गए परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की क्षेत्र सीमा होती है, भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा की प्रकृति, भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा के रूप, प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः तीन रूप उभर कर सामने आते हैं, जो लिखित रूप में है, बोलियां, परिनिश्चित भाषा और राष्ट्रभाषा। पहला, बोलियां। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। हिंदी भाषी सीमा पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, उत्तर पश्चिम में अंबाला पंजाब, उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर
पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश है, जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, बांगर, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी बोलियाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों और हरियाणा प्रदेश में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि है। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि है। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती आदि भाषा बोली जाती है। परिनिष्ठित भाषा, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। तीसरा, राष्ट्रभाषा, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिंदी का नामकरण, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सब फारसी शब्द में आते हैं। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों शब्द का प्रयोग किया गया था। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब से हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। व्यापक राष्ट्रहित में राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना तथा सामाजिक संपर्क की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी एवं बोली जाती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।